रानो, लाडो, टूनी, मुनमुन कबूतर और बुलबुल चिड़िया आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी लाडो ने रानो से पूछा, क्या हुआ रानो, तुम उदास लग रही हो? क्या बताऊं बहनों, कल दोपहर मेरे एक बच्चे को एक शिकारी चील उठाकर ले गया। ऐसे कैसे ले गया? क्या उसे जंगल के कायदे कानून नहीं पता है? इस जंगल का कोई भी शिकारी पंछी इसी जंगल के दूसरे पंछियों का शिकार नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे इस जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। वो कुछ दिन पहले ही हमारे जंगल में अपने बीवी और बच्चों के साथ रहने के लिए आया है। शायद उसे जंगल के कायदे कानून पता नहीं है। रुको, मैं अभी ये बात राजा जी को बता कर आती हूँ, वो उसे बुलाकर कायदे कानून समझा देंगे। लाडो समय ना गवाते हुए राजा जी के पास चली जाती है और उन्हें शिकारी चील के बारे में बताती है। अच्छा हुआ लाडो, तुमने मुझे ये बात बता दी, मैं अभी उसे बुलाकर सारी बातें समझा देता हूँ। राजा जी शिकारी चील को बुलाकर उसे जंगल के कायदे कानून समझा देते हैं। जी राजा जी, आज से मैं इस जंगल के किसी भी पक्षी का शिकार नहीं करूँगा। चील वहाँ से निकल कर बाहर आ जाता है। बड़े आए मुझे कायदे और कानून सिखाने वाले। मेरी सहेलियों, मुझे तो उस शिकारी चील पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो कभी भी पलट सकता है। वो हमारे बच्चों को खा ले, उससे पहले हमें ही कुछ करना पड़ेगा। कल सवेरे तुम सब अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आना। आगे का प्लान मैं वहीं पर बताऊंगी। बताओ लाडो, क्या प्लान है तुम्हारा? अब तक हम हमारे बच्चों को अकेले घर पर छोड़कर अनाज लाने के लिए जाते थे और आगे भी हम ऐसा ही करेंगे, तो इसमें नई बात क्या है? खतरा तो फिर भी बना रहेगा। अरे मुनमुन बहन, मेरी आगे की बात तो सुनो। हाँ हाँ बताओ। जब भी हम अनाज लाने के लिए घर से बाहर जाएंगे, हम बच्चों को घर का दरवाजा अंदर से बंद करने के लिए कहेंगे और वापस आने पर हम हमारी आवाज निकालेंगे। जैसे ही बच्चे हमारी आवाज को सुनेंगे, तभी वो घर का दरवाजा खोलेंगे। जब तक हम हमारी आवाज नहीं निकालेंगे, तब तक बच्चे दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये तो बहुत अच्छा प्लान है आंटी जी, लेकिन मम्मी, जब आप अनाज लेकर वापस आओगी तब कौन सी आवाज निकालोगी? गोलू बेटा, मैं ऐसी आवाज निकालूंगी। मम्मी, आप कौन सी आवाज निकालोगी? बेटा, मैं ये आवाज निकालूंगी। और मम्मी आप? मैं ये आवाज निकालूंगी। मम्मी, आप कौन सी आवाज निकालोगी? बच्चों, मैं ये आवाज निकालूंगी। मम्मी आप? और मैं ये आवाज निकालूंगी। तो चलो सहेलियों, हम अनाज लाने के लिए चलते हैं, नहीं तो हमें वापस आने में देर हो जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो। सब अपने अपने बच्चों को अपने अपने घरों में छोड़कर अनाज लाने के लिए निकल पड़ती है। अच्छा तो ये प्लान है तुम्हारा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। चील वहाँ से निकलकर सीधा भूरे कौवे के घोंसले के पास आ जाता है। भूरा रोज की तरह अपने घोंसले में घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी चील उसे जगाने के लिए आवाज लगाता है। भूरे, अरे ओ भूरे, उठ जा। अरे कौन है, किसकी हिम्मत हुई मुझे जगाने की? मेरी। अरे अरे चील भाई, आप यहाँ कैसे? सुना है तुम इस जंगल के किसी भी पंछी की आवाज निकाल सकते हो? हाँ हाँ मैं निकाल सकता हूँ, कहो तो अभी निकाल के दिखाता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, चलो मेरे साथ। चील भूरे कौवे को लेकर पहले लाड़ो के घर के पास आ जाता है। चलो अब लाड़ो चिड़िया की आवाज निकाल के दिखाओ। भूरा अपनी आंखें बंद कर लेता है और लाड़ो चिड़िया की आवाज निकालता है। लगता है माँ आ गई। जैसे ही बच्चा दरवाजा खोलता है, चील लाड़ो के दोनों बेटों को पकड़कर अपनी बोरी में डाल देता है। क्यों, कैसी लगी मेरी आवाज? वाह, क्या आवाज निकाली है। चलो अब हमें एक और जगह जाना है,
चील भूरे कौवे को लेकर बुलबुल के घर के पास आ जाता है। चल भूरे, अब बुलबुल चिड़िया की आवाज निकाल के दिखा। हाँ हाँ जरूर। भूरा फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और बुलबुल चिड़िया की आवाज निकालता है। लगता है माँ आ गई। जैसे ही बुलबुल चिड़िया का बेटा दरवाजा खोलता है, चील उसको भी बोरी में डाल देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए अब किसकी आवाज निकालनी है? आओ मेरे साथ। चील भूरे कौवे को लेकर अब मुनमुन कबूतर के घर के पास आ जाता है। मुझे नहीं लगता कि तुम कबूतर की आवाज निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकता? सुनो, तुम तो सच में बहुत होशियार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम टूनी चिड़िया की आवाज निकाल सकते हो। क्या क्या कहा? टूनी चिड़िया? उसकी आवाज तो मेरी फेवरेट है। रुको, मैं अभी उसकी आवाज निकाल के दिखाता हूँ। अरे अरे, यहाँ नहीं, आओ मेरे पीछे पीछे। चील भूरे को लेकर अब टूनी के घर के पास आ जाता है। हाँ, अब निकालो उसकी आवाज। शाबाश, मान गए तुम्हें। बस अब एक आखिरी बार, क्या तुम रानो चिड़िया की आवाज निकाल पाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी निकालता हूँ। अरे अरे, यहाँ नहीं। भूरा ये समझ नहीं पा रहा था कि चील उसे उल्लू बना रहा है। चील उसके आवाज की तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था और भूरा चने के झाड़ पर चढ़े ही जा रहा था। आखिर में चील भूरे को लेकर रानो चिड़िया के घर के बाहर आ जाता है। भूरे जी, अब बस एक आखिरी बार आप रानो चिड़िया की आवाज निकालिए। भूरा फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और रानो चिड़िया की आवाज निकालने की कोशिश करता है। अरे ये क्या, मुझे रानो चिड़िया की आवाज निकालनी क्यों नहीं आ रही? कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश करो। भूरा आवाज निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे आवाज निकालना नहीं आता। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इससे पहले वो चिड़िया वापस आ जाए, मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। मैं एक दो बार फिर से कोशिश करता हूँ, इस बार मैं आवाज जरूर निकालूंगा। भूरा जी, आप कोशिश करते रहिए, मैं जरा जाकर आता हूँ। ठीक है। चील वहाँ से 9:11 हो जाता है। बहुत कोशिश करने पर आखिरकार भूरा रानो चिड़िया की आवाज निकाल ही लेता है। ये मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। जैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है, उसे उसकी मम्मी के बजाय भूरा कौवा दिखाई देता है। भूरे चाचा, आप यहाँ पर कैसे, और मम्मी कहाँ पर है? मम्मी तो अंदर होगी ना बेटा? नहीं चाचा, मम्मी अनाज लाने के लिए बाहर गई है, और मम्मी ने कहा था जब तक मैं मेरी आवाज नहीं निकालती तुम घर का दरवाजा मत खोलना। अभी अभी मुझे मम्मी की आवाज आई थी, इसीलिए मैंने दरवाजा खोला। अरे बाप रे, अब मैं सारा खेल समझ गया। ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझे ही मेरी गलती सुधारनी होगी। बच्चे तुम अंदर जाओ और अंदर से दरवाजा लगा लो, जब तक मम्मी नहीं आती दरवाजा मत खोलना। बच्चा अंदर से दरवाजा लगा लेता है। वो बदमाश चील ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, इससे पहले कि वो बच्चों को खा ले मुझे उसे ढूंढना होगा। इधर चील बच्चों को बोरी में भरकर अपने अड्डे की तरफ जा रहा था, तभी वो रास्ते में थक जाता है। अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, वैसे भी ये बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं, मैं तो इन्हें बड़े ही चाव से खाऊंगा। ऐसा सोचकर चील बोरी को साइड में रख देता है और पेड़ की डाली पर आराम से सो जाता है। चील का पीछा करते करते भूरा उस पेड़ के पास आ जाता है। भूरे को उसकी खर्राटों की आवाज सुनाई देती है। भूरे ने देखा चील आराम से डाली पर घोड़े बेचकर सो रहा था, तभी उसकी नजर साइड में रखे बोरी पर गई। उसमें बच्चे हिल डुल रहे थे। बच्चों को जिंदा देखकर भूरे के जान में जान आ गई। वो चुपके से बोरी के पास चला गया। बच्चों डरो मत, मैं हूँ भूरा चाचा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, बस तुम आवाज मत करो।
भूरे ने बोरी की डोरी खोल दी और एक एक करके बच्चों को बाहर निकाला। उसने बड़े बड़े और बच्चों ने छोटे छोटे पत्थर बोरी में भर दिए और सारे एक बड़े से पत्ते के पीछे छुपकर चील के जागने का इंतजार करने लगे। इतना सब होने के बाद भी चील गहरी नींद में सो रहा था। उसे इस बात की कानों कान खबर नहीं थी कि बच्चे आजाद हो गए हैं। थोड़ी देर बाद चील नींद से जाग जाता है। चलो अब नींद भी अच्छे से पूरी हो गई। अब तो मुझे और भी ज्यादा भूख लगी है। जल्दी से अपने अड्डे पर जाता हूँ और इन बच्चों की अच्छे से दावत उड़ाता हूँ। चील बोरी को उठाने की कोशिश करता है। उसे बोरी थोड़ी भारी लग रही थी। अरे ये बोरी इतनी भारी कैसे हो गई? लगता है ये मेरा वहम है। चील बोरी को अपने पंजों में उठाकर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आने पर वो नदी के पास आ जाता है। चील का अड्डा नदी के उस पार था। वो नदी पार करने लगता है। चील बोरी के बोझ को सह नहीं पाता है और बोरी के साथ ही पानी में गिर जाता है। बोरी की डोरी उसके पंजों में फंस गई थी, इसीलिए वो बोरी के साथ साथ नदी में डूब जाता है। अरे अरे कोई मुझे बचाओ बचाओ। इधर बच्चे और भूरा अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। चलो बच्चों, मैं तुम सबको अपने अपने घर छोड़ देता हूँ। भूरा बच्चों को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और सबको अपने अपने घर छोड़कर वो अपने घर चला जाता है। रानो, लाड़ो, मुनमुन, टूनी और बुलबुल चिड़िया जब अपने अपने घर वापस आ जाती है, वो बच्चों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हो जाती है। बच्चों, तुमने कुछ शरारत तो नहीं की है ना? बच्चे अपनी माँ को घटी हुई सारी घटना बता देते हैं। उस कल मुहे चील के साथ ऐसा ही होना था, उसे अच्छा सबक मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये 7 बच्चों वाली कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।